नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा गुरु बृहस्पति के सभी 12 भावों में फल। कुंडली होगी मिथुन लगन की कुंडली, कि मिथुन लगन की कुंडली के अंदर जहां बृहस्पति को केंद्र में दो स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है, सप्तम भाव और दशम भाव। केंद्र के अधिपति होने के कारण और शुभ ग्रह होने के कारण इनको लगता है केंद्राधिपति दोष, और वहीं द्विस्वभाव लगन के होने के कारण यहां पर ये बाधकेश भी हो जाते हैं, कि द्विस्वभाव लगन में सप्तमेश बाधकेश हो जाता है। अब ऐसा एक ग्रह जो स्वभाव में शुभ हो, नेचुरल शुभ ग्रह हो, केंद्राधिपति दोष में हो और बाधकेश भी हो, ऐसा ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में बैठकर कैसा परिणाम देगा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बृहस्पति को नव ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया, कि ये वो ग्रह है कि जहां स्थित हो और जहां दृष्टि दे वहां से बेहतरी ही करता है। यानी इस ग्रह का प्रयास रहता है कि ये किसी भी परिस्थिति में होता है अपने तरफ से अच्छा ही करेगा। बहुत स्थितियां ऐसी देखी जाती है कुंडली में कि जहां बृहस्पति भी कुछ नहीं कर पाते, उन परिस्थितियों को अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन मैं यहां बृहस्पति के फलों को लेकर आया हूं कि पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक बृहस्पति, जो कि कुंडली के 5 भावों के कारक हैं, अगर धन चाहिए, संतान चाहिए, भाग्य वृद्धि चाहिए, कर्म में सफलता चाहिए, लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, धन संचय चाहिए, तो आपको बिना बृहस्पति के कृपा के वो मिल ही नहीं सकता। ऐसा ग्रह अगर कुंडली के अंदर अच्छा हो तो आपके ऊपर इन सब चीजों की बनेगी कृपा, और अगर ऐसा ही ग्रह कुंडली में दूषित हो तो इन सब चीजों का अभाव आपको कुंडली के अंदर देखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, एक वायु तत्व राशि का लगन है जो कि बुध ग्रह की प्रथम राशि कहलाती है, उसके अंदर बृहस्पति विराजमान हो तो कैसा फल देंगे। बुध की राशि में बैठा हुआ बृहस्पति यानी ज्ञान के हिसाब से अच्छा है। बुध गणितज्ञ है, बृहस्पति विवेक है, यानी ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। जो शास्त्र का ज्ञान रखे, सामाजिक ज्ञान रखे, विवेक रखे, वो ज्ञानी है। जो गणित का ध्यान रखे, किताबों का ध्यान रखे, कैलकुलेशन का ध्यान रखे, किसी चीज का रख रखाव रखे, वो है बुध। अब ऐसे दोनों गुण अगर व्यक्ति के भीतर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में इन्हीं कामों में सफलता ले सकता है। बृहस्पति अगर लगन में बैठता है तो दिग्बली होता है। दिग्बली ग्रह का मतलब होता है आपको सही समय पर सही डायरेक्शन देगा। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आ गई तो ये ग्रह आपको देगा सही डायरेक्शन, कि आपको कहां किस तरीके से कार्य करना है। लगन में बैठा बृहस्पति आपको ज्ञानी बनाता है, आपकी कैचिंग पावर को अच्छी करता है, आपके भीतर समझदारी लाता है, आपको विवेक देता है, आप समाज के बारे में भी सोचकर चलते हैं, या आप अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना, नहीं तो मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगा, समाज में मेरी समस्या हो जाएगी, वो सारी चीजें बृहस्पति से ही आती हैं। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता के बल पर आगे बढ़ते हैं, यानी इनका लग्न ही ये बता रहा है कि ये व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कैपेबल होंगे। बुद्धि से संबंधित कोई भी कार्य, ज्ञान से संबंधित कार्य, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कार्य, शिक्षक से जुड़ा हुआ कार्य, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए कार्य में ऐसे लोग जीवन में बहुत बेहतर तरक्की कर लेते हैं। बृहस्पति यहां सप्तमेश होके अपने से सप्तम में बैठा हुआ, शास्त्र कहता है लग्नेश सप्तम में हो या सप्तमेश लगन में हो, व्यक्ति जीवन में हवाई यात्रा करता है, दूर स्थान की यात्राएं करता है, दूर स्थान पर जाके रहता है, यानी अपने जन्म स्थली को छोड़कर दूर स्थान पर जाके रहता है। सप्तमेश सप्तम भाव को वापस देखता है, पद प्राप्ति दिलाएगा, समाज में पद दिलाएगा, घर परिवार के अंदर भी पद दिलाएगा, घर परिवार के अंदर सुख शांति देगा, पत्नी का सहयोग देगा, साथ ही साथ ये वो कॉम्बिनेशन है जो पत्नी की तरफ से आपको सोर्स ऑफ इनकम भी देगा। अब ये बाधकेश भी है। बाधकेश जो शब्द है वो शास्त्र में कहा गया कि द्विस्वभाव लग्नों के लिए सप्तम भाव के मालिक बाधकेश होते हैं, लेकिन इनकी दूसरी राशि भी है जो कि दशम में पड़ती है।
अब ऐसा ग्रह अगर स्वस्थ अवस्था में हो, केंद्र में बैठा हुआ है, स्वस्थ है, इसके ऊपर किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं, तो ये बाद के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ये कॉम्बिनेशंस विवाह कराने में देरी कर देता है, वो मैंने अधिकतर हॉरोस्कोप्स में इस कॉम्बिनेशंस को चेक भी किया है, तो वो स्थिति यहां दिखाई देती है। बाकी अगर बृहस्पति स्वस्थ है, पीड़ित नहीं है, राहु केतु के निकट नहीं है, अशुभ ग्रहों के संगत में नहीं है, केंद्र त्रिकोण के ग्रहों के संबंध में बना हुआ है, तो ये ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में फल देगा। अगर ये ग्रह सूर्य के अभाव से अस्त हो जाता है तो अपने फलों में कमी करता है, क्योंकि सूर्य के आगे कोई भी ग्रह अगर अस्त होगा तो उसके स्वभाव में, उसके फलों में कमी कर देगा। बृहस्पति ने यहां बैठकर पंचम और नवम भाव को भी दृष्टि दी, यानी आपकी शिक्षा, बुद्धि, संतान को संभालने में बृहस्पति सक्षम है, साथ ही साथ आपके भाग्य को, आपके धर्म को, धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, आपको सात्विक बनाता है, धर्म के प्रति आपकी आस्था को उजागर करने वाला ग्रह बृहस्पति देव ही है। ये बृहस्पति यहाँ दशमेश होके लगन में बैठा है, ये भी एक राजयोग है कि कर्म का मालिक लगन में, व्यक्ति वर्कोहोलिक है, कर्म को प्रधानता देता है, जीवन में कर्म करके आगे बढ़ने की इच्छाएं ऐसे लोगों की होती हैं, वो एक सुंदर योग यहाँ पर साफ तौर पे बना हुआ है। तो कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा हुआ हो और दूषित ना हो, अपनी दशांतर दशा में आपको पद प्राप्ति, मान सम्मान, अच्छा कार्य, व्यवसाय सब कुछ आपको प्रदान करेगा, संतान का सुख देगा, पत्नी का सुख देगा, भाग्य का सुख देगा। बात करते हैं कि बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे घर में बैठे तो कैसा। उच्च का बृहस्पति है, कर्क राशि में ग्रह उच्च का होता है, बृहस्पति यहां 5 डिग्री तक उच्च के कहे जाते हैं। लगभग ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें यह देखना जरूरी है कि ग्रह आपका कहां है। अगर ये ग्रह है 0 डिग्री का और 29 डिग्री का है तो उसके फलों में कमी हो जाती है, क्योंकि अंतिम डिग्री पे बैठा हुआ ग्रह अपने उच्चस्थ जैसे फल नहीं दे पाता। एक बार अगर ये ग्रह यहां उच्च होकर बैठा और यह सूर्य से अस्त है, जैसे सूर्य इनकी कुंडली में तृतीयेश है, अगर ये सूर्य से अस्त है तो भी ये अपने फलों में कमी करेगा। अगर ये राहु केतु के निकट आ रहा है तो ये अपने फलों में कमी करेगा। जितना ज्यादा ये राहु केतु के निकट होगा उतना गुरु चांडाल दोष भी बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशंस फिर अपने फलों में कमी करेगा। अगर बृहस्पति स्वस्थ अवस्था में उच्चस्थ होकर दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे घर में बैठा हुआ धन का कारक ग्रह उच्च का हो रहा है, कुटुंब में वृद्धि कराएगा, घर परिवार के अंदर वृद्धि कराएगा, घर परिवार से सहयोग दिलाएगा ये बृहस्पति आपको। बृहस्पति अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, बोलचाल के माध्यम से या बोलचाल से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं जीवन में उनसे आपको सफलता देगा। अच्छा ज्ञानी हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करने वाला हो सकता है, यानी वाणी से जुड़े हुए जितने भी कार्य होंगे उसमें सफलता दे देगा। सप्तमेश होके भी यहां बैठा है, थोड़ा सा विवाह में विलंब कर सकता है, लेकिन सप्तमेश उच्च का होके कुटुंब में है, यानी कभी कभी अपने स्वयं के बल पर परिवार की पद प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है, परिवार को धन से सहयोग कर देता है ऐसा व्यक्ति। पत्नी के आने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित स्थितियां बढ़ जाती हैं। वहीं बृहस्पति दशम भाव का मालिक होके यहां है, ये दशम भाव कर्म स्थान है और ये ग्रह यहां बैठा है। बोलचाल से पैसा कमाना, वाणी के कार्यों से पैसा कमाना, खाने पीने से जुड़े हुए कार्यों से पैसा कमाना, पंसारी से संबंधित काम, कोई ग्रोसरी का स्टोर कर रहा है, कोई खाने पीने से संबंधित चीजें बेच रहा है, कोई मिठाई की दुकान लगा रहा है, कोई बेकरी का काम कर रहा है, तो उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है। आप अपनी बोलचाल से अपने भाग्य को उजागर करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका ग्रह आपके से पंचम और नवम से दृष्टि से जुड़ा हुआ है। पंचम बुद्धि, ये कर्म की बुद्धि है, यानी सद्बुद्धि से कार्य होगा, कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव जमा रहेगा, आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, समझदारी से शत्रुओं को अपने आगे से हटाएंगे, उनसे झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, बहुत प्यार से योजनाएं बनाकर उनको अपने रास्ते से हटा देंगे।
अड़चनों को कम करेगा ऐसा बृहस्पति, आपके जीवन में आने वाली हर्डल्स को दूर करेगा, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ कराएगा, ये बृहस्पति इस प्रकार के परिणाम आपको देगा। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि कारको भाव नाशा है, कि ये धन का कारक अगर धन भाव में बैठता है तो ये जीवन में धन नाश अवश्य कराता है। पैसा देगा कोई दिक्कत नहीं है, कुटुंब भी बढ़ाएगा परिवार से, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, किसी रिश्तेदार ने ले लिए उसने नहीं दिए, किसी जानकार ने ले लिए उसने दिए, व्यापार में अटक गए, पैसा डूब गया, पैसा फंस गया, वापस ही नहीं आया, तो ऐसा इन लोगों के साथ कॉम्बिनेशन देखा जाता है। चलिए बात करते हैं बृहस्पति अगर तीसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव में बृहस्पति सूर्य की राशि में है। सूर्य कौन है? प्रजा को संभालने वाला, राज्य सरकार को संभालने वाला, सरकारी नौकरी दिलाने वाला ग्रह सूर्य होता है। जब उसकी राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति जीवन में ऐसे कर्म करने की इच्छाएं रखता है जो राजसिक कर्म हो। सरकारी नौकरी के प्रति उसका आकर्षण, सरकार से जुड़े हुए कृत्य, सरकार से जुड़े हुए कार्यों से जुड़कर अपना जीवन में जीवन लाभ लेना भी ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। अच्छा वक्ता होना, अच्छा उपदेश देना, कभी कभी ऐसे लोग लेखपाल, कानूनगो, अच्छे टाइपराइटर भी होते हैं, लेखनी लिखने वाले, लेख लिखने वाले, पत्रकार हो जाते हैं, मीडिया के उसमें क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं, ज्ञान के प्रचार प्रसार में अच्छे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य भी करके जीवन में अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपके दशम का मालिक बृहस्पति यहां है। दसवां घर कर्म है और तीसरा घर हिम्मत साहस के साथ साथ लेखन कला को दर्शाता है, आपकी हॉबीज को दर्शाता है, यानी आपका कार्य क्षेत्र वो भी हो सकता है जो आपकी हॉबी हो। आप जीवन में वो सब कार्य करना शुरू कर दें कि भाई मेरे को तो इस चीज में हॉबी है, मुझे तो लिखने में हॉबी है, मैं तो राइटर बनना चाहता हूं, मैं तो स्टोरी लिखूंगा, मैं तो पत्रकार बनना चाहता हूं, तो ऐसे कार्यों में ऐसे लोग जीवन में सफलता ले लेते हैं। हरिवंश राय जी बच्चन जी की कुंडली में भी तीसरे दशम का मालिक तीसरे घर में बैठकर उनको अच्छा लेखक बनाया, वो कॉम्बिनेशन यहीं से आता है, क्योंकि थर्ड हाउस राइटिंग स्किल्स देता है, शौक देता है, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्षता क्रिएटिविटी देता है। लेकिन ये दशम से छठे में बैठा हुआ है, इसका मतलब जो भी चीज प्राप्त होगी वो कुछ संघर्षों के बाद मिलेगी। यहां सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, पद प्राप्ति अच्छी है, विवाह कराएगा, अच्छा वैवाहिक जीवन देगा, ऐसा पति या पत्नी के बीच में बहुत प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल एकदम बच्चों की तरह रखते हैं, या ऐसा कह सकते हैं अपने बच्चों से भी ज्यादा ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ऐसा बृहस्पति सप्तमेश सप्तम को देखे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए विवाह विच्छेद नहीं होने देता। पत्नी के आने के बाद भाग्य में वृद्धि होती है, शादी होने के बाद भाग्य में वृद्धि होती है, ऐसे लोगों के साथ ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तीसरे घर साहस के लिए जाना जाता है और भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि है कि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को उजागर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं भाग तीसरे घर का मालिक भाग्य 11th हाउस को दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आप साहस करेंगे, यात्राएं करेंगे, दूर के लोगों से जुड़ेंगे और उसका आपको मिलेगा लाभ, क्योंकि आपका बृहस्पति आपके पद प्रतिष्ठा, आपके भाग्य और लाभ तीनों को संभालने में सक्षम है, और वो कर्मेश भी हैं, यानी ये सब की कहानी जो शुरुआत होगी वो कर्म से शुरू होगी, यानी स्वयं के बल पर कुछ करने की इच्छाएं होना ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। अगर ये बृहस्पति पीड़ा में नहीं है, सूर्य से क्लोज अस्त नहीं है, राहु केतु के अत्यधिक निकट नहीं है, तो ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छे परिणाम देगा। जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम आती चली जाएगी कि राहु केतु के निकट भी है, सूर्य से अस्त भी हो गया, पाप पीड़ित भी है, तो ये आपके कर्मों को खराब कर देगा, आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा, आपकी समाज में पद प्रतिष्ठा खत्म कर देगा, आप कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन आपको तरक्की नहीं मिलेगी, तो उस तरीके की सिचुएशन में ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। बात करते हैं बृहस्पति चौथे घर में बैठे तो कैसा। फोर्थ हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो
और वो शुभ ग्रह हो तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि व्यक्ति के जीवन में मैं अच्छा सुख साधन उसको दे दूं, उसके घर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसको ये समझिए कि आपके घर में कोई साधु महात्मा आ गए तो वह आपका बुरा नहीं करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि आप जीवन में अच्छी तरक्की करो। तो बृहस्पति जब यहाँ पे ज्ञान का ग्रह बुध की राशि में बैठता है तो ये आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति देगा, आपको अच्छा मकान सुख साधन जीवन में अवश्य दिलाएगा। चाहे वो कैसी भी स्थिति में दिलाए, वो निर्भर करता है कि कुंडली में कौन से समय में आपको मकान से संबंधित सुख मिलेगा, लेकिन यहां से मिलता अवश्य है, क्योंकि ये लग्न से सुख स्थान है। यानी कि सुख स्थान में बैठा हुआ शुभ ग्रह आपको अच्छा मन देगा, विशाल हृदय बनाएगा, समाज के लिए कार्य करोगे, परोपकार की भावना रखोगे, दान पुण्य में भी अपना सहयोग दोगे। साथ ही साथ बृहस्पति दशमेश होके दशम को देखता है, यानी कर्म बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र से तरक्की मिलेगी। वो कार्य क्षेत्र कैसा हो सकता है? चौथे घर से जुड़ा हुआ, आप जनता के बीच जाकर कार्य कर रहे हैं, राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, धार्मिक संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे लाभ मिलेगा। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य को कर रहे हैं तो अच्छा है। घर मकान से बनाने से संबंधित मटेरियल्स बेच रहे हैं, चाहे वो लकड़ी हो, फर्नीचर हो, लोहा हो, ऐसी कोई चीज बेच रहे हैं जिसका मकान को बनाने में सहयोग हो रहा हो, तो भी वो बृहस्पति से ही आता है। तो बृहस्पति इस प्रकार का अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब दशम सप्तम का मालिक है, जो कि दशम से सप्तम से दशम में बैठा हुआ है, दशम को देख रहा है, यानी साझेदारी से संबंधित कार्यों में लाभ। पत्नी को साझेदार बना लो अपनी फर्म के अंदर, फायदा हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद कार्य में तरक्की हो जाएगी, पत्नी के साथ जुड़कर कार्य कर लोगे तो तरक्की हो जाएगी। वो स्थितियां यहां साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं। इस बृहस्पति को मैं कोई खराब बृहस्पति नहीं मानता, जब तक कि इसके ऊपर कोई पीड़ा ना आए। विवाह कराएगा, पद प्राप्ति देगा, सामाजिक स्थितियों को बेहतर करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कराएगा, घर के अंदर सुख शांति देगा, आपकी अड़चनों को रोकेगा, पंचम दृष्टि से अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है, आपकी अड़चनों को रोकेगा। खर्चे आपके कुछ ज्यादा कर सकता है और वो खर्चे आप किसी चीज को बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा ही दे देगा। लेकिन अगर ये बृहस्पति सूर्य से अस्त हो जाए तो इसके फलों में कमी होगी। अगर ये राहु केतु के एक्सेस में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा फिर ये गुरु चांडाल दोष बनाएगा, फिर आप अपनी बुद्धि के सामने किसी के चलाएंगे नहीं और गलत निर्णय से आपको जीवन में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। यानी जितना ज्यादा अशुभ प्रभाव खराब ये प्लेनेट होता जाएगा, इसके अच्छे फलों में उतनी ही कमी होती चली जाएंगी। अगर यही ग्रह अधिक पीड़ित में हो और फोर्थ हाउस में ज्यादा पीड़ित हो तो जीवन में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब भी जाकर उसका मकान नहीं बनेगा, पूरी जिंदगी किराए के मकानों में निकाल देगा। अगर प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो किसी ना किसी कारण से बिक जाएगी। तो वो कॉम्बिनेशन इनसे यहां दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति अगर पंचम भाव में हो तो कैसा। शत्रु राशि में बैठा हुआ बृहस्पति तुला में बैठा हुआ हो तो ऐसा बृहस्पति निकृष्ट बृहस्पति होता है, यानी फल देना तो चाहता है लेकिन फल दे नहीं पाता है। यानी ऐसे ग्रहों को आवश्यकता होती है कि जिसकी राशि में बैठा है, अगर शुक्र की राशि में है और शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो ही ये ग्रह अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा में। नहीं तो एक तो पहले ही शत्रु राशि में है, बाधकेश भी है, मार्केश भी है, तो प्रॉब्लम अवश्य देगा। साथ ही साथ सप्तमेश होके पंचम में जीवन में लव रिलेशनशिप देता है, पढ़ाई के दौरान प्रेम संबंध बना सकता है, कोई कार्य नौकरी करते हुए प्रेम संबंध हो सकते हैं, किसी कंपनी में साथ साथ काम कर रहे हैं और आपका अफेयर किसी के साथ हो गया, वैसे कॉम्बिनेशन भी यहां बृहस्पति शो कर रहा है। बृहस्पति सप्तमेश होके यहां है और लाभ भाव को देखते हैं, आप अपने जीवन में अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे, अपनी एजुकेशन से लाभ प्राप्त करेंगे, बुद्धि के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास आपका लगातार रहेगा। वहीं ये बृहस्पति लाभ और लगन को देखता है, यानी बृहस्पति की दशा आई वो बृहस्पति पूर्ण प्रयासरत रहेगा कि आपके भाग्य को उजागर करे, क्योंकि पंचम दृष्टि भाग्य,
तो शिक्षा से भाग्य उदय हो रहा है, हायर एजुकेशन के बल पर भाग्य उदय हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, पद प्राप्ति कराएगा, प्रमोशन कराएगा, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी दिला देगा बृहस्पति, मान सम्मान को बचा रखेगा, चाहे सामाजिक स्थिति आपकी कितनी भी डाउन जा रही हो, लेकिन आप समाज में कभी ये पता नहीं लगेगा कि इसकी आंतरिक रूप से स्थितियां व्यक्ति की बहुत खराब चल रही हैं, बहुत पीड़ित चल रही हैं, ये व्यक्ति अंदर से परेशान है, तो वो स्थिति ये प्लेनेट नहीं आने देगा। दशमेश होके अपने से अष्टम में गया है, यानी इसकी दशांतर दशा में प्रोफेशनली रहेगा तो ठीक, लेकिन आपको निर्णय बड़े सोच समझ के लेने होंगे, क्योंकि जब ग्रह दशम से अष्टम में आता है तो व्यक्ति अपने कर्मों की गलतियों के कारण अपने करियर में डाउनफॉल ले लेता है, ऊपर से वो शत्रु की राशि में भी बैठा हुआ है, यानी अधिक लोभ लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, झटके से पैसा कमाने के चक्कर में, जुए सट्टे लॉटरी शेयर मार्केट आदि से कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को लगा देता है, और जमा पूंजी को लगाकर अपने जीवन में नुकसान कर लेता है। ये सब चीज कहां से आती है? ये पंचम में बैठे बृहस्पति से आती है। अगर ये बृहस्पति गुरु राहु के साथ, केतु के साथ निकट हो, सूर्य से अस्त हो, पाप पीड़ित हो, तो अपनी दशांतर दशा में आपको बर्बादी के कगार पे ले जाएगा, ना संतान सुख देगा, ना धन संचय देगा, पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगा, जो कार्य चलता हुआ है वो भी बिगड़ जाएगा, आप गलत संगत में लग जाएंगे, गलत लोगों के बीच चले जाएंगे, आपका कार्य धंधा गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये ग्रह पहले ही शत्रु राशि में, अगर ये पीड़ा में भी आ गया तो समझ लीजिए पूरे बृहस्पति की दशा आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का बृहस्पति है तो सबसे पहले चेक करो कि जिसकी राशि में है वो कैसा है, यानी शुक्र कैसा है, शुक्र को चेक करो और बाद में बृहस्पति की स्थिति देखो, और दशा आने वाली हो तो अपनी कुंडली को पूरी तरीके से चेक कराओ जिससे आप इन सब चीजों से बच सको। तो ये था पंचम में बैठे हुए बृहस्पति का फल। अब बात करते हैं कि बृहस्पति छठे घर में बैठे तो कैसा है। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ बृहस्पति मित्र की राशि का होता है। बृहस्पति धन कारक ग्रह कहलाता है, और धन कारक ग्रह अपनी भाग्य दृष्टि जब धन स्थान पर दे, भले ही वो बृहस्पति छठे घर में बैठा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, लेकिन उसका धन का इंतजाम किसी ना किसी कारण से अवश्य हो जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे व्यक्ति को जीवन में धन से संबंधित कमी नहीं रहती है। बहुत सारे शास्त्रों में छठे घर के बृहस्पति को बहुत अच्छा कहा गया कि ये शुभ ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, आपको धन से संबंधित स्थितियां देगा, धन की कमी नहीं होने देगा, किसी ना किसी साधन से धन आपको अवश्य दे देगा। वो स्थितियां यहां बृहस्पति की मिलती हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में बृहस्पति, क्योंकि धन का कारक भी है, अष्टम में यहां बैठा और छठे में बैठा है, तो व्यक्ति को जीवन में कर्ज के कारण भी परेशानियां आती हैं। उसके ऊपर कोई कर्ज अगर लग जाए तो उससे उसको पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वो सप्तमेश बाधकेश भी है, मारकेश भी है, दशमेश होके यहां बैठा है, यानी कर्म और कर्म से कर्म दोनों का मालिक यहां होके बैठा है। यानी ऐसे लोग अपने जीवन में अपने व्यवसाय को लेकर भी चिंता में अवश्य आते हैं, व्यवसाय को लेकर भी उनके जीवन में अप्स एंड डाउन का सामना उनको करना पड़ता है। दशमेश जब छठे घर में पहुंचे और उसको वापस देखे तो नौकरी से संबंधित योग यहां बनते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में सदैव एक ही इच्छा रहती है कि मुझे स्वतंत्र व्यवसाय करना है, मैं किसी के अंडर में रह के काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो नौकरी को अपना कार्य क्षेत्र बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर वो अपने जीवन में ज्यादा तरक्की कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोग मैनेजमेंट संभालने में बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में इतनी अकल अवश्य होती है कि हमें कौन सी फर्म, कौन सी स्थितियां कैसे चलानी है, अच्छी योजनाएं बनाकर उनको सफल कर देंगे ऐसे लोग। तो उस हिसाब से ये बृहस्पति यहां पंचम से जब दशम को दृष्टि दे, यानी ये बुद्धि की दृष्टि दे रहा है, आपके कर्म को तरीका सिखा रहा है जीवन में काम करने का। बृहस्पति की दशा में आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, बीमारी के कारण आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन एक तरफ धन जा रहा है तो दूसरी तरफ सोर्स ऑफ इनकम भी ये प्लेनेट आपको देता रहेगा। यानी धन आपने कमाया, बीमारी में, कर्जे में, परेशानी में चला गया, लेकिन फिर आपने किसी ना किसी तरीके से उसमें साधन अपने जुटा लिए और आप जीवन में सफल हो गए।
अब ये बृहस्पति अगर पीड़ित ना हो, पीड़ित का मतलब है सूर्य से अस्त ना हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, शनि राहु केतु से क्लोज ना हो, तो ही ये बृहस्पति अपनी दशा में आपको ऊपर उठा सकता है, अन्यथा आपको बर्बाद भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये सप्तमेश होके भी यहां है, विवाह में कुछ विलंब करा सकता है, पत्नी की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये लग्न से भी छटा है और इससे ये द्वादश में बैठा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम ये बृहस्पति दे सकता है, पीड़ा में है तो अलगाव करा सकता है, विच्छेद करा सकता है, पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ सकता है। कभी कभी ऐसे लोगों की एक दो शादियां भी होकर खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिसके कारण इनकी पद प्राप्ति पब्लिक इमेज पे दाग लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन उस लिहाज से अच्छा नहीं, अगर स्वस्थ अवस्था में है तो ही लाभ देगा, अगर अशुभ अवस्था में है, पीड़ित है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए दशा खराब जाएगी, ना धन संचय हो पाएगा, कर्ज भी हो जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे तो कैसा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का, पब्लिक इमेज का, पत्नी का, इन सब का भाव कहलाता है। सप्तमी सप्तम में हो, विवाह होगा, पद प्राप्ति होगी, पब्लिक इमेज होगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको अपने नाम से जानेंगे, आप राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में भी दखल अंदाजी करके जीवन में फायदा ले लेंगे। जब बृहस्पति अपनी स्वराशि में हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनाता है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है, हंस नामक योग बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि करेगा, धन देगा, संतान सुख देगा, भाग्य में वृद्धि देगा, ईश्वर की कृपा देगा, सामाजिक स्तर को बढ़ाएगा, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, ऐसा बृहस्पति आपके लिए यहाँ दे रहा है। पत्नी से सहयोग के साथ साथ पत्नी भी कहीं ना कहीं उसको जीवन में धन से संबंधित सहयोग देगी। कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन पति पत्नी के बीच का रिश्ता विच्छेद नहीं होगा। अब बृहस्पति यहां से बैठ के देखते हैं लाभ भाव को, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह है, पैसा आपको अपनी दशांतर दशा में अवश्य देगा। लगन को दृष्टि देता है तो मान सम्मान बढ़ाएगा, यात्राओं से फायदा देगा। तीसरे घर को दृष्टि देता है, बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, धैर्य विवेक के बल पर आप आगे बढ़ेंगे, योजना बनाकर आगे चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अपने अच्छी वे ऑफ टॉकिंग के कारण, उपदेशों के कारण आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। दशम से दशम भी बैठा हुआ है, यानी व्यवसाय के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, स्वतंत्र व्यवसाय कराने वाला होगा, साझेदारी से संबंधित कार्यों में भी आपको यह अवश्य फायदा दे देगा। तो ये बृहस्पति अपने आप में अगर स्वस्थ अवस्था में बैठे, इसके ऊपर कोई भी पाप प्रभाव ना हो, अगर ये ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है तो इन फलों में कमी करेगा, उन्हें कठिनाई से दे देगा। अगर ये बृहस्पति राहु केतु के अत्यंत निकट होता है तब व्यक्ति के भीतर घमंड की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, तब व्यक्ति ये समझता है मेरे से ज्यादा होशियार कोई नहीं है, मैं ही अपनी चलाऊंगा। अगर ये बृहस्पति पाप ग्रहों से पीड़ित हो, जो नेचुरल पाप ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, उनसे पीड़ा में हो तो ये बृहस्पति उतना ही डाउन होता जाएगा, उतने ही आपकी प्रोग्रेस में कमी कर देगा, आपके पैसों में कमी कर देगा, मान सम्मान में कमी कर देगा, रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा, मैरिड लाइफ को खराब करने का प्रयास करेगा। तो ये थी सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति के फल। अब मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा तो कैसा होगा। जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो उसके कारकत्व में सबसे पहली कमी आती है। नीच का ग्रह आपको धन का भाव देगा, नीच का ग्रह सामाजिक अभाव देगा, आप कितनी मेहनत करेंगे लेकिन आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं दे पाएगा, ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपको ज्यादा अच्छा सम्मान नहीं मिल पाएगा। वहीं नीच का बृहस्पति अगर यहां हो, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, पेट से संबंधित बीमारी दे देगा। पत्नी से तो सहयोग दिला देगा, पत्नी के आने के बाद धन भी दिला देगा, लेकिन पत्नी को शारीरिक कष्ट भी दे देगा, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने शरीर को लेकर परेशान रहेंगे, कभी पत्नी बीमार तो कभी आप बीमार, कभी आपको पद प्राप्ति, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बचाने की चिंता रहती है तो कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ को बचाने की चिंता रहती है,
आप अपने जीवन में अपने करियर को लेकर भी कई बार उठा पटक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दशमेश कर्मेश होके भी अष्टम में बैठा है। प्रोफेशनल लाइफ में अप डाउन करना, नौकरी में है तो व्यवसाय में चले गए, व्यवसाय में गए तो वहां भी प्रॉब्लम आ गई, फिर दोबारा नौकरी में चले गए, यानी जीवन में कभी कभी एक दो बार नौकरियों का सामना भी होता है। ऐसा बृहस्पति अगर अकेला ही बैठे तो ही अच्छा है, तो भी आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन अगर ये पीड़ित भी हो जाए तो अपनी दशा अंदर दशा में आपको बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मंगल शनि का प्रभाव हो जाए, सूर्य से ये अस्त हो जाए और राहु केतु की परिधि में आ जाए, जीवन में कितनी ही नौकरी बदलेगा, कितनी ही बार काम बदलेगा, पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाएगा, भीतरी रूप से हमेशा चिंतित रहेगा, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर विचारों का आवागमन लगा रहेगा, विचार नहीं ठहरेंगे, बुद्धि भ्रमित रहेगी, इधर उधर उलट पलट रहेगा जीवन में, ये कर लूं वो कर लूं, अब ये करना है अब वो करना है, तो वो सारी स्थितियां, ऐसी स्थिति में उसको एक ही चीज निकाल सकती है, वो है उसका कुटुंब, क्योंकि यहां से बैठ के बृहस्पति धन भाव को देख रहा है, घर परिवार के लोग उसको इन समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं, धन का सहयोग दे देते हैं, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, रहने के लिए मकान भी ऐसा बृहस्पति दे देता है, क्योंकि नवम भाव पे दृष्टि दे रहा है, लेकिन कब, जब वो पीड़ित ना हो, अगर पीड़ित है तो परिवार से भले ही मिल जाए लेकिन स्वयं के बल पर जीवन में मकान नहीं बना पाएगा, स्वयं के बल पर जीवन में प्रॉपर्टी एकत्रित नहीं कर पाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन उस लिहाज से बहुत खराब है कि ये नीच का बृहस्पति आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपके भाग्य को पीछे धकेल सकता है, आप अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो बृहस्पति आपको नीचे धकेलता चला जा रहा है, तो साफ तौर पर देखना होगा कि ये बृहस्पति पीड़ा में तो नहीं है, पीड़ा में हो, मैंने कई हॉरोस्कोप्स देखी हैं कि उनके ऊपर मंगल शनि का प्रभाव होता है, सूर्य से अस्त भी हैं, उनका शादी 3-4-5 महीने ज्यादा चली नहीं, उनको डाइवोर्स हो गया, शादी में प्रॉब्लम आ गई, किसी को शादी के 5 साल बाद डाइवोर्स, किसी को 10 साल बाद डाइवोर्स, किसी को शुरुआत में ही, निर्भर करता है कि आपको वो प्रॉब्लम्स आई कब है, तो वो चीज इस हॉरोस्कोप में बड़ी चिंताजनक दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वयं बहुत ज्यादा ध्यान ये देना चाहिए कि उसको, क्योंकि ये उसके खुद के कर्म है, उसको प्रारब्ध मिला है, तो वो स्वयं ही बृहस्पति देव को जागृत करे, स्वयं ही बृहस्पति के बीज मंत्र जपे, स्वयं ही उसका दशांश हवन करे, तो उसको लाभ मिल सकता है। बात करते हैं बृहस्पति अगर एकादश नवम भाव में बैठे तो कैसा, भाग्य स्थान में बैठा हुआ धर्म कारक ग्रह भाग्य में वृद्धि करता है, आपको सात्विक बनाता है, आस्तिक बनाता है, धर्म के प्रति जिज्ञासु बनाएगा, धर्म के प्रति आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा ग्रह, ऐसा ग्रह आपको जीवन में धर्म से संबंधित कार्यों के लिए उकसाता है कि उठो धार्मिक कार्य करो, अच्छे कार्य जीवन में करो, जीवन में अच्छे कार्य करते हुए अपना मान सम्मान बढ़ाओ, क्योंकि लगन के ऊपर दृष्टि है, आपको मैच्योरिटी देता है, आपको समझदारी प्रदान करता है ऐसा बृहस्पति। बृहस्पति लगन को दृष्टि दे तो आपको शारीरिक सुख देगा, आपकी आयु में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, लेकिन कभी कभी आपकी हरकतें लोगों को बचकाना हरकतें लगेंगी, ऐसा भी गुण ये इसी कॉम्बिनेशन से आता है। सप्तमेश होके यहां है, विवाह के बाद भाग्य में उदय आएगा, विवाह के बाद व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा तरक्की करेगा, पद प्राप्ति को होगा, पत्नी कहीं ना कहीं से उसको सहयोग करने वाली हो जाएगी। दशमेश कहने को अपने से द्वादश में है, लेकिन नवम में बैठ के राजयोग बना रहा है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए ये दशा ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने कार्य को करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, टूर ट्रेवलिंग्स करनी पड़ती हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध थर्ड हाउस से भी है, अपने से द्वादश भी बैठा हुआ है, यानी जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, बाहर की दुनिया नहीं देखोगे, तब तक आप जीवन में अच्छी तरक्की नहीं कर पाओगे, वो योग भी यहां दिखाई देता है। बृहस्पति का संबंध यहां पंचम से है, विद्या देगी, बुद्धि देगा, हायर एजुकेशन दे सकता है, संतान की प्राप्ति आपको अवश्य कराएगा ये बृहस्पति, जीवन में धन से संबंधित कमी नहीं होने देगा, किसी ना किसी रास्ते से आपको धन दिलाता रहेगा, उस लिहाज से ये बृहस्पति अपने आप में ठीक है, लेकिन बाधकेश भी है,
तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो अपने से तीसरे और दसम से द्वादश बैठा है, तो प्लेसमेंट सिर्फ इतनी अच्छी है कि लगन से भाग्य स्थान में है, लेकिन अपनी राशियों से ही अच्छा नहीं बैठा हुआ, यानी इसकी दशा में स्ट्रगल अवश्य होगा। वो स्ट्रगल कब कब ज्यादा बढ़ेगा? जब जब ये ग्रह पीड़ित होगा। अगर ये पाप ग्रहों के पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, राहु केतु के निकट है, तो उतनी ही ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ा देगा, उतनी ही ज्यादा परेशानियां आपको जीवन में देना शुरू कर देगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में समस्याओं के घेरों में घिरते चले जाओगे। तो वो स्थिति भी यहां चेक करने वाली है। इसको शास्त्रों में ऐसे ही बाधकेश नहीं कहा गया, कहीं ना कहीं इसके अंदर बाधा से संबंधित स्थितियां हैं, काम में रुकावट देने की स्थितियां हैं। तो वो कॉम्बिनेशन है, पता लगा अगर ये ग्रह बहुत पीड़ित है तो ना तो आपका कार्य स्थिर है, ना आपकी मैरिड लाइफ स्थिर है, ना आपकी शादी हो रही है, ना आपकी नौकरी स्थिर हो रही है, ना आपका काम स्थिर हो रहा है, तो वो चीज आप अपनी कुंडली में अवश्य चेक करें। हाँ, अगर बृहस्पति स्वस्थ अवस्था में है तो वो आपको अच्छे फल अवश्य प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि बृहस्पति दशम में बैठे तो कैसा। दशमेश दशम में हो, हंस नामक महापुरुष योग बनाता है, यानी बृहस्पति से संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य कर्म और लाभ के लिए अच्छा होगा। जीवन में व्यक्ति इन सब कारकों को बढ़ाने में लगा रहता है। बृहस्पति यहां मीन राशि के अंदर है, जो कि दल जल तत्व की राशि और कर्म भाव को प्रभावित करती है। व्यक्ति का दिमाग सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, धर्म से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में, सेवा में, परोपकार में बहुत ज्यादा लगता है। व्यक्ति कर्म भी इसी प्रकार के करता है, सदकर्म करने वाला व्यक्ति होता है, सात्विक विचार रखता है, कोई भी गलत पैसा, रिश्वत का पैसा या गलत तरीके से कमाए हुआ पैसे की इच्छा ऐसे व्यक्ति के मन में कभी नहीं आती है। अगर ये बृहस्पति स्वस्थ अवस्था में है, किसी प्रकार से पीड़ा में नहीं है, अशुभ ग्रहों के अंतर में नहीं है, तो ये ग्रह आपको सदकर्म कराएगा, क्योंकि दशम भाव का एक कारकत्व है कर्म। दशम भाव पूरा कर्म नहीं है, दशम भाव में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कर्म अच्छे कराएगा, यश को बढ़ाएगा, प्रसिद्धि बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, समाज के अंदर औहदे को बढ़ाएगा। बृहस्पति चौथे घर को देखता है, जनता का अच्छा खासा सहयोग दिलाएगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख आपको जीवन में अवश्य दिलाएगा। यहां से बैठकर दूसरे घर पर दृष्टि है, कुटुंब में वृद्धि कराएगा, कुटुंब फलेगा, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, अनुशासन प्रिय होगा, पैसा दिलाने वाला ये ग्रह अपने आप में बेहतर स्थिति में होता है। और दशमेश दशम में हो तो कार्य जीवन में कभी नहीं चेंज करने पड़ते। जीवन में सोर्स ऑफ इनकम कभी कभी एक ही चीज से बनता है, कभी कभी घर परिवार से संबंधित कार्य को एक बार ज्वाइन कर लिया, उसी में लग गए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य कर लेते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ कार्य कर लेते हैं, पैतृक कोई कार्य चलता हुआ आ रहा हो कुटुंब का, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, तो उन सब चीजों में ऐसे बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम व्यक्ति को देते हैं। अगर ये बृहस्पति किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो तो अपनी दशांतर दशा में आपको सब प्रकार के सुख साधन देगा। शत्रु पक्षी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये व्यक्ति इतना सात्विक है, एक तो कोई गलत कार्य करता नहीं, अगर इससे कोई रजनी भी कोशिश करे तो उसे बड़ी दिमाग से, बड़ी नॉलेज से अपने रास्ते से हटा देता है, अपनी विवेक का इस्तेमाल करता है, जोश में कभी नहीं आता है, प्रवृत्ति भावुक होती है, मन से सोचने वाला होता है, दूसरों के लिए भी सोचता है, ऐसा बृहस्पति अगर हो तो वो स्थिति अपने अच्छी है। सप्तमेश होके भी यहां बैठा हुआ है, पत्नी से सुख दिलाएगा, पत्नी भी उसकी बात को मानने वाली होती है, तो उस लिहाज से यह बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई देता है। एकादश भाव में बृहस्पति बैठे तो कैसा। अब यह मंगल की राशि का बृहस्पति है, मेष राशि उत्तेजनाओं से भरी हुई राशि है, जोश है, अग्नि तत्व राशि है, चलायमान है, उसमें बृहस्पति बैठे तो यह व्यक्ति को क्रोधित कर सकती है, व्यक्ति को थोड़ा जल्दबाज किस्म का बना सकती है। व्यक्ति कुछ ही समय तक अपनी हदें याद रखता है, उसके बाद फिर उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो किसी की कुछ नहीं सुनता ना सोचता। एकादश में बैठा है तो सोर्स ऑफ इनकम दिलाता है, आपको लाभ के अवसर दिलाता रहेगा, आप जो भी कार्य करेंगे उससे लाभ मिलेगा, कर्म का मालिक अपने से दूसरे में बैठा है, यानी
कर्म के लिए बोलना शुरू किया, उससे आपको लाभ मिल गया। कर्म के लिए लाभ मिलना, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको वापस आ रहा है, उसका आपको रिटर्न आ रहा है। आपने मेहनत करी, आपने कार्य करा, उससे आपको पैसा मिल गया, उस लिहाज से अच्छा है। बृहस्पति यहां से बैठकर थर्ड हाउस को दृष्टि देता है। इन दशाओं में टूर ट्रेवलिंग्स भी करनी पड़ती हैं, मित्रों के सहयोग से, छोटे भाई बहनों के सहयोग से, बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी लोगों को फायदा मिल जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति पंचम भाव को देखे, संतान देगा, संतान से सुख दिलाएगा, एजुकेशन करा सकता है, बुद्धि देगा अच्छी, ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम को देखे, पत्नी से लाभ मिलेगा, पत्नी सोर्स ऑफ इनकम करने वाली होगी, विवाह कराएगा ऐसा ग्रह, क्योंकि सप्तमेश अपने सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है, तो उस लिहाज से ये अच्छा है। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करते हुए अपने कोई ना कोई अपना एक लेवल भी तैयार करता है, अपनी सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तैयार करता रहता है। इस कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो ग्रह अपने से पंचम और अपने से दूसरे में बैठा है, यानी ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको अवश्य अच्छा फल देगा ही देगा। एक तो लाभ से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा। ऐसा ग्रह अगर पाप पीड़ित हो, कि इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य से ये ग्रह अस्त हो जाए, राहु केतु के निकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में बदलेगा। एक तो वैसे ही मंगल की राशि में और राहु केतु के निकट हो जाए तो फिर और गुस्सैल बना देगा, और जल्दबाज बना देगा, फिर आपके भीतर पेशेंस नहीं होगा, फिर आप अपनी गलती से नुकसान कर लेंगे, योजना बनाएंगे नहीं, उससे पहले कार्य करना शुरू कर देंगे और आपको पैसे का नुकसान दे देगा, तो वो चीज आपको यहां ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं कि शत्रु की राशि में बृहस्पति द्वादश में बैठे तो कैसा। देखिये, शत्रु राशि में द्वादश भाव में धन कारक ग्रह हो तो इसकी दशांतर दशा में धन संचय नहीं हो पाता, खर्च बराबर बना रहता है, जितनी आमदनी उतना खर्च, जितनी आमदनी उससे ज्यादा खर्च, वो खर्च आपका फिजूल खर्च में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, कर्जा चुकाने में जा रहा है आपका पैसा, वो सारी स्थितियां यहां दिखाई देती हैं। जब बृहस्पति द्वादश में हो तो खराब खान पान भी व्यक्ति का होता है, उस खराब खान पान के कारण उसको जीवन में नुकसान होते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मोटापे से जुड़े हुए समस्या भी ऐसे लोगों को हो जाती हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी जद्दोजहद होती है, टूर ट्रेवलिंग्स होती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने कारोबार को दूर स्थान से जोड़कर करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। पत्नी के लिहाज से ये योग अच्छा नहीं, विवाह करने में भी देरी कराता है, शादी के बाद पति या पत्नी किसी की भी कुंडली में ये योग हो तो किसी एक की हेल्थ को अवश्य प्रॉब्लम में देता है। पति की कुंडली में है तो पत्नी को हेल्थ इश्यूज दे देगा, पत्नी की कुंडली में है तो पति को हेल्थ इश्यूज दे देगा, दोनों के बीच क्योंकि लगन से द्वादश यानी लॉस, सप्तम से छठा यानी रोग ऋण रिपु है, उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, इसको मैं कोई अच्छा योग नहीं मानता हूं। कभी कभी ऐसे लोग अपने जीवन में विदेश में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां भी बस उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो जितना कमा रहे हैं थोड़ा बहुत जोड़ लेते हैं, लेकिन हाँ उससे बेहतर है कि अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह गए तो वहां जाकर उन्होंने कुछ तरक्की अवश्य करी। ये बृहस्पति पीड़ा में नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा ये बृहस्पति पीड़ित होगा पाप कर्तृ योग में, पाप ग्रहों से बैठा हो, उससे दृष्ट हो, अस्त हो, राहु केतु अक्ष में हो, अगर ये सारे योग इसके साथ हो गए तो बृहस्पति की दशा पूर्ण बर्बाद करेगी, ना विवाह सुख मिलेगा, ना कार्य सुख मिलेगा, ना काम धंधा होगा, ना नौकरी होगी, ना कोई स्थिर व्यवसाय होगा, ना समाज के अंदर कोई आपकी इज्जत करेगा, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन खराब भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है ही शत्रु की राशि में, दूसरा बैठा द्वादश में, सप्तम से छठे में बैठा है, लगन से व्यय स्थान में, खर्च स्थान में, हानि स्थान में बैठा है, तो इस ग्रह के लिए काफी चिंता इस हॉरोस्कोप में दिखाई देती है। अगर पीड़ित हो गया है तो समझ लीजिए बहुत ही बेकार है, फिर तो आपको जरूर अपनी कुंडली को चेक कराना पड़ेगा कि भी क्या ऐसे बड़े दोष हैं जिससे इसका निवारण हो सके। तो ये था मिथुन लगन वालों के लिए बादकेश मार्केश बृहस्पति का द्वादश भाव में बैठने का फल। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपका ग्रह कहां बैठा है,
उसकी दशा कब आ रही है और उससे क्या मिलेंगे आपको फल, उसके बारे में मैंने आपको यहां पूर्ण जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।